माइंड ना करेगा, अच्छा हुआ तुमने आज मुंह दिखाई पर आने से मना कर दिया, वरना साहिल ने जो नीचे तमाशा किया है उसका इल्जाम भी तुम्ही पर आ जाता। इल्जाम तो आपने मुझ पर लगाया दीपक जी, अगर साहिल की मदद करना गलत था तो इल्जाम हम दोनों पे लगना चाहिए था। अच्छा तो ये वजह है, इसीलिए तुम्हारे थोपड़े पर 12 बजे हैं। जरा सी भी अकल का इस्तेमाल करोगी या हमेशा बेवकूफों की तरह ही बात करती रहोगी? अरे तुम घर की बेटी हो, आज नहीं तो कल बड़ी अम्मा तुम्हें माफ कर देगी, मगर अगर हमसे एक भी भूल हुई ना तो सीधा बाहर का रास्ता। राम राम दामाद जी, आप तो चलिए। यही चाहती हूं ना तुम? अपने पति के खातिर इतना भी नहीं सह सकती तुम? दिल दुखाया तुमने हमारा। मुझे तो डांट खाने की आदत हो गई है दीपक जी, अपनी फिक्र नहीं है मुझे, फिक्र तो मुझे साहिल की हो रही है, वो इस तरह से कैसे जिएगा? इतनी फिक्र है अपने भाई की तो कहीं पलट तो नहीं जाओगी? आगे भी साहिल की मदद करोगी या फिर अपनी अम्मा से डर के साथ छोड़ दोगी? मतलब हलवा पूरी तो दूर की बात, अब चीनी चाय पत्ती भी बंद हो जाएगी हमारी? अरे नाश हो उस प्रिंसिपल का। माँ शांत हो जाइए, मैं आपसे बात कर रही हूँ माँ। अरे ये बात बात छोड़, ये देख यहाँ क्या तमाशा हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है इधर? अरे अरे कौन हो तुम लोग, ये आप क्या कर रहे हैं? काहे लेकर आ रहे हो अंदर? अरे ये सब किसका सामान है, ये कौन ये सब है? क्या है? अरे भाई साहब आपसे बात कर रहे हैं ये, अरे क्यों ये क्या है ये सब? अरे हम आपसे बात कर रहे हैं।